अरबी के पत्ते एक ऐसे पत्ते हैं जो आपको ना सिर्फ बारिशों में ही देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर नज़र आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अरबी के पत्तों की एक रेयर सी रेसिपी शेयर की जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज और चटपटी चटोरी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ अरबी के पत्तों के बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस जो है ना कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अरबी के पत्तों की ये सब्ज़ी, अरबी के पत्तों के ये कोफ्ते ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये अरबी के पत्ते के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के ना अरबी के पत्ते लिए हैं। ये देखिए, इस तरह के ये बड़े बड़े पत्ते आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ बारिश के मौसम में। अरबी के पत्तों से हम जब भी कोई सब्जी बनाते हैं या अरबी के पतोड़ बनाते हैं ना, तो एक शिकायत हमेशा आती है कि ये गले में ना खराश करने लगते हैं। तो गले में ये खारिश ना करें, खराश बिल्कुल भी ना करें, इसके लिए यहाँ पर हम जो है एक टेक्निक यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमें ना ये बिल्कुल भी खराश नहीं करेंगे और बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अरबी के पत्ते को उल्टा करके जब आप देखेंगे ना, तो इस तरह की ये डंठल सी आपको नज़र आएगी। ये देखिए, इस तरह की हमें जो है ना इस डंठल को हटा देना है। यही वो डंठल होती है जिसकी वजह से ना हमें गले में खराश होती है। आप किसी भी नाइफ या सीजर की हेल्प से ईजिली इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम धीरे धीरे इसे जो है ना अच्छे से नाइफ की हेल्प से रिमूव कर लेंगे। इस डंठल को हटा देने की वजह से हमारे ये पत्ते ना गले में बिल्कुल भी खराश नहीं करते हैं और बहुत ही आसानी से आप इनसे बनी हुई रेसिपीज को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से निकल आती है। आप देख सकते हैं ये जो इस तरह की ये डंठल है ना, इसकी इसमें काफ़ी ज़्यादा जेल सा होता है जो हमारे गले में खराश पैदा करता है। इसीलिए हम इसकी जहाँ पर भी आपको ये मोटी मोटी डंठल नज़र आएंगी, उसे आप नाइफ से अच्छे से रिमूव कर दीजिएगा। इसका इस्तेमाल जो है हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ अरबी के पत्ते का इस्तेमाल करना है। इसी तरह एक एक करके जितने भी पत्ते हैं ना, आप उनको सभी को जो है इस तरह से या तो सीजर की हेल्प से या फिर नाइफ की हेल्प से हटा दीजिएगा। ये देखिए, सीजर से भी ये बहुत ही आसानी से निकल आती हैं। ये देखिए, अगर पत्ता थोड़ा बहुत फट भी जाता है तो कोई बात नहीं, हमें इसे वैसे भी कट ही करना है। इसी तरह से हम जो है बाकी के जितने भी पत्ते हैं उन्हें अच्छे से हम रेडी कर लेंगे। सभी के डंठल हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं। अब इन सभी पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में ना आप काट लीजिएगा। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह बेलन की हेल्प से रोल कर लीजिएगा। हमें इसे जो है ना बारीक बारीक कट करना है। अब एक बाउल लेंगे और उसमें अपने बारीक कटे हुए इन पत्तों को, ये देखिए, इस तरह से हमें इसे बारीक काटना है। अब बाउल में हम इन्हें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे बेसन। मैंने यहाँ पर जो है 3/4 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत धनिया क्रश किया हुआ, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ में ना ये हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ पर हींग डाली है और 1 बड़ा चम्मच डाला है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इन सभी को मिक्स करेंगे और इसका एक अच्छा सा जो है बैटर बनाएंगे, जैसा हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल पकौड़ों जैसा बैटर हम इसका जो है रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मसलते हुए हमने इसका जो बैटर है वो बना लिया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की रखनी है हमें। ये देखिए, इस तरह से आसानी से हम इसके कोफ्ते बना सकें। बैटर बिल्कुल रेडी है। अब एक पैन में हम लेंगे सरसों का ऑयल, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और एक एक करके अपने सभी जो है ना अरबी के पत्तों के कोफ्ते हम इसमें डालते जाएंगे। फ्लेम को जो है हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम अच्छे से जो है ना तल लेंगे। ये देखिए, जैसे ही एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, इसे हम जो है किसी स्पून की हेल्प से जो है फ्लिप कर लेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी आसानी से पक सकें। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से जो है सिक जाएंगे, तब हम इन्हें जो है एक बार अच्छे से चला लेंगे और इन्हें जो है कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और ये लीजिए, हमारे अरबी के पत्तों के कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हैं, एकदम क्रिस्पी बने हैं। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा सरसों का ऑयल और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जैसे ही जीरा हमारा अच्छे से भुनने लगेगा, हम यहाँ पर डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पर जो है 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके लिया है। अच्छे से इसे हम जो है चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच हम जो है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे
और 1 teaspoon क्रश किया हुआ साबुत धनिया। अच्छे से इन्हें हम एक बार चला लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए, हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। लगातार चलाते हुए ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब यहाँ पर 1/2 teaspoon हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 teaspoon कश्मीरी चिली पाउडर, 1 tablespoon यहाँ पर धनिया पाउडर और 1/2 teaspoon जीरा पाउडर ऐड किया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ के जो है टमाटर, जिसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने डाली है बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च। आप इसे जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम या ज़्यादा। अब इसे ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे हम। और 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए, हमारे जो मसाला है वो बहुत अच्छे से पक गया है, अच्छे से ऑयल जो है रिलीज़ कर दिया है। एक बार हम इसे अच्छे से चला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे 1 teaspoon कसूरी मेथी। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए, अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 cup जो है दही। दही ना खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है नॉर्मल होनी चाहिए हमारी दही। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमें इसे तब तक लगातार चलाना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ने लगे। और ये देखिए, इसने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है, बहुत अच्छे से ऑयल जो है रिलीज़ हुआ है। आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी जो है ना मस्त बनी है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 teaspoon सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 कोफ्ते। इसे अच्छे से हम क्रश कर लेंगे, इससे हमारी जो ग्रेवी है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिच और क्रीमी सी बनती है। ये देखिए, इस तरह से सिर्फ हाथों से आप मैश करके इसे यहाँ पर डाल दीजिए और इसे अच्छे से एक बार चला लीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमने जो ये कोफ्ते डाले हैं ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और ग्रेवी के साथ अच्छे से मिल जाएं। अब इस ग्रेवी को हमें जो है तरी वाला बनाना है, तो यहाँ पर पानी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डालिएगा, आपको जैसी भी ग्रेवी थिक या थिन रखनी हो। अच्छे से इसे चला लिया है, एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब हम इसे ढक कर पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और लो फ्लेम पर पकने के बाद आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से रिलीज हो गया है। इस स्टेज पर हम अपने कोफ्तों को इसमें ऐड कर देंगे और सभी कोफ्तों को हल्के हाथ से हम जो है चला लेंगे। ये देखिए, अच्छे से जो है कोफ्तों को हमने चला लिया है और फ्लेम को मैंने जो है अब बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए, हमारे जो है ना अरबी के पत्तों के कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हैं। कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है और ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म अरबी के पत्तों की कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कितने जो है ना टेस्टी और डिलीशियस लग रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट कोफ्ते बने हैं, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले। थोड़े से जो है हरे धनिए से गार्निश किया है और हमारी गर्मा गर्म अरबी कोफ्ता, अरबी के पत्ते की सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे इंजॉय कर सकते हैं रोटी, चपाती, नान, ब्रेड या राइस किसी के भी साथ, सभी के साथ ना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। और ये पत्ते सिर्फ बारिशों में मिलते हैं ना, तो इसीलिए इनकी सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब आप एक ही तरह की सब्ज़ी खाते खाते बोर हो जाते हैं ना, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। अरबी के पत्तों की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।